सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इस कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और आईपीओ की ऑफिशियल डेट्स एंड डिटेल्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। तो देखिए यहां पर कंपनी की कुछ सर्विसेज के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 यानी 2013 में यह कंपनी बनी थी। नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज यानी NPST इज अ बैंकिंग टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर दैट ऑफर्स सॉफ्टवेयर एंड मोबिलिटी सॉल्यूशन टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। यानी कि यह जो कंपनी है, ये जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं या फाइनेंस सेक्टर होते हैं, इनमें जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उनसे रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और देखिए इन्होंने 2013 से ही काम स्टार्ट किया है, यानी कि कंपनी को अभी केवल 8 ही साल हुए हैं। अब देखिए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो देखिए फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल एसेट्स वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहां पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो लाख में दिखेगी, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और यहां पर 2019, 20 और 21 के नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले एसेट वैल्यू को अगर हम देखें तो 2019 में 881 लाख के करीब एसेट वैल्यू थी, वहीं 2020 में बात करें तो 997 लाख के करीब एसेट वैल्यू होती हुई नजर आई। वहीं 2021 की बात करें तो एसेट वैल्यू लगभग डबल होती हुई नजर आ रही है, करीब 1651 लाख के करीब इनकी एसेट वैल्यू बढ़ गई। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की तो देखिए रेवेन्यू अगर बात करें 2019 में तो 1800 लाख का यहां पर रेवेन्यू था, वहीं बात करें 2020 की तो रेवेन्यू यहां पर कम हो गया, करीब 1524 लाख के करीब होता हुआ नजर आया। वहीं बात करें रेवेन्यू की 2021 की तो देखिए 1538 लाख के करीब इनका रेवेन्यू रहा। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर फ्लैट था, लेकिन यहां पर भारी कमी यहां पर रेवेन्यू में होती हुई नजर आई। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए इनका 2019 में प्रॉफिट 134 लाख के करीब था, वहीं 2020 की बात करें तो 104 लाख के करीब होता हुआ नजर आया। वहीं अभी बात करें 2021 की तो यहां पर 105 लाख के करीब इनका प्रॉफिट जाता हुआ नजर आया। यानी कि 2021 और 20 में इनका जो ग्रोथ है वो फ्लैट रहा, वहीं 2019 की बात करें तो उससे ये नीचे आते हुए नजर आए। तो देखिए यहां पर मिले जुले रिजल्ट हैं और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट नहीं है। यहां पर कंपनी अभी लॉस में भी जा रही है, मतलब लॉस में नहीं जा रही है, लेकिन यहां पर पिछले सालों की अपेक्षा यहां पर जो कम ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है। वहीं बात करें आईपीओ की डिटेल की तो देखिए 28 जुलाई से आईपीओ ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए, और 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट होने वाली है। वहीं बात करें तो देखिए बुक बिल्ड इशू है और 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू होने वाला है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो 76 से 80 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 80 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर्स का यहां पर एक लॉट है, और मिनिमम आप 1600 शेयर्स के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर बात करें इशू टाइप की तो देखिए यहां पर यह लिस्ट होगा NSE SME में यह लिस्ट होगा। और इशू साइज की बात करें तो यहां पर इशू साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, करीब 13.70 करोड़ के आसपास का ये टोटल इशू होने वाला है, जिसमें आपके लिए करीब 17,12,000 शेयर्स आएंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब देखिए बात करें लॉट की तो देखिए एक लॉट आप मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1600 शेयर्स रहेंगे, 1,28,000 रुपए जिसके लिए आपको खर्च करना पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम लॉट की बात करें तो मैक्सिमम भी आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1600 शेयर्स रहेंगे, जिसकी वैल्यू 1,28,000 रुपए रहेगी। तो देखिए ये तो डिटेल की बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि भाई इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो मैं आपको सख्त हिदायत दूंगा कि ऐसे आईपीओ में आपको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी चैनल पर जो मैक्सिमम निवेशक हैं वो रिटेल कैटेगरी के होंगे, और देखिए उनका जो मार्केट कैप होगा वो काफी कम होगा। लेकिन अगर आपका मार्केट कैप ज्यादा भी है तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे जो आईपीओ होते हैं वो ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो डायरेक्ट कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर
उनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर हफ्ते नए नए IPOs आ रहे हैं, अच्छे अच्छे IPOs आ रहे हैं जहाँ पर आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो फिर आप ऐसे IPOs के चक्कर में बिल्कुल ना ही पड़ें तो बेहतर होगा। ये वीडियो बनाने का केवल इतना मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन IPOs में भी इंटरेस्टेड होते हैं और इनकी जानकारी को तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो वीडियो है उनके लिए बनाया गया है। अगर आप रिटेल निवेशक हैं, सिंपल निवेशक हैं और यहाँ पर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो इस IPO से दूर रहें। इन IPOs में आपको अप्लाई नहीं करना है, बस वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है कि ये कंपनीज भी मार्केट में लिस्ट हो रही हैं और आगे चल के हो सकता है ये IPO का ये जो कंपनीज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ और आप इसका शेयर खरीदने के इच्छुक हो जाओ। लेकिन अभी फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि इन IPOs से दूर रहें, अच्छे अच्छे IPOs आ रहे हैं उन्हीं में पैसा लगाएं, और फिर भी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर पूछें, क्योंकि आपके प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। यहाँ पर मैं केवल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस IPO में अप्लाई नहीं करना है, तो आप जो भी करते हैं उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार होंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।